नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद को लेकर, जो एक विवादित टिप्पणी देने के बाद मुश्किलों में घिरी नुपुर शर्मा की। जी हाँ, आपको बता दें, जिस तरह से एक टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। अब इस बवाल, ये जो बवाल है, ये उग्र हिंसा में बदल गया। जिस तरह से राजस्थान के उदयपुर में हुई एक घटना और इसके बाद अमरावती में हुई एक दर्दनाक घटना, इससे कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें नुपुर शर्मा की, तो नुपुर शर्मा को भी लगातार धमकी दी जा रही है। पहले उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, उन्हें लेकर प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब बात आ गई है जान पर। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें नुपुर शर्मा को जानलेवा धमकी दी जा रही है। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स नुपुर शर्मा को लेकर ऐसी बातें बोलता हुआ नजर आ रहा है, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। पहले देखिए ये वीडियो। जिसने पैदा किया मेरी उस माँ की, मेरे बच्चों की कसम, मैं और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रोस्ते में निकल जाऊंगा, ये वादा करता सलमान ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए। देखो, आपको बता दें कि वीडियो जो इस वीडियो में जो ये शख्स नजर आ रहा है, ये शख्स है अजमेर शाह की, अजमेर की दरगाह का ये व्यक्ति खादिम है। इसका नाम सलमान चिश्ती बताया जा रहा है, जिसने नुपुर शर्मा को लेकर ये बड़ा बयान दिया है, धमकी दी है यहाँ पर साफ तौर पर। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है, इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। लगातार इस मामले को लेकर यहाँ पर पुलिस सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके की धमकी इन लोगों की ओर से दी जा रही है, उसके बाद सवाल यही उठता है, क्या भारत देश में एक बार फिर से तालिबानी कल्चर आने वाला है? जिस तरीके से एक के बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है कि जो भी नुपुर शर्मा का समर्थन करेगा उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। सरकार और प्रशासन लगातार इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बवाल को थामने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपके इस पर क्या कुछ राय है? जिस तरीके का वीडियो इस सामने आया है, इस पर अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइव। नमस्कार।